नर्सिंग और नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस ने छतरपुर में जंगी प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। मध्य प्रदेश में नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने छतरपुर में जंगी आंदोलन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्रसाल चौराहे पर धरना दिया। यहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित हजारों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रदर्शन की पहले से सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी। कलेक्ट्रेट के रास्ते में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, मगर कांग्रेसियों की भीड़ और गुस्सा अधिक होने की वजह से दो स्थानों के बैरिकेड्स कांग्रेसियों ने तोड़कर आगे बढ़ गए। प्रशासन ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को कंट्रोल किया। प्रदर्शन के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि भाजपा की सरकार तानाशाही करती है और कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी सही तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करने भी नहीं देती। लेकिन जब तक सरकार नीट और नर्सिंग घोटाले की सही तरीके से जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए, उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है। और छतरपुर में इसका आंदोलन था। हम ज्ञापन देके, कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लट और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ लिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से इस माफिया राज के खिलाफ लड़ती रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।